आज की क्लास में हम राम और सीता को बनाएंगे। और लास्ट क्लास में हमने बनाया था कि राम जी और सीता जी मिले हैं पुष्प वाटिका में। अभी इस बार का जो धनुष तोड़े थे स्वयंवर के लिए, तो वो बनाएंगे आज हम। तो ये देखिए, जो भी हम पेंटिंग करते हैं उसकी बॉर्डरिंग तो हम करते ही हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है। अभी जैसे मैंने आपको बिठाने के लिए सिखाया था, जैसे ये वाली की हमारा पेज है पूरा, तो हाफ जितना आप रख लो तो हाफ के अंदर में बनाएंगे, क्योंकि सेंटर में धनुष का हम दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये वैसे ही नाक यहाँ से इस तरीके से करके लिया हमने, मुंह यहाँ से टर्न किया, यहाँ से ये ऊपर गया, ये पार्ट हो गया कान का, और ये यहाँ से ये चला गया बाल वाला पार्ट। यहाँ से इसको टच करता हुआ ये इस तरीके से आया, और यहाँ ये एक हाथ हो गया एक साइड का। अब दूसरे साइड के लिए उनका यहाँ से चादर दिखाएंगे। ये हाथ से इनका ये कमर वाला पोर्शन, यहाँ से ये धोती हो जाएगी। ये हाथ के पास से ही यहाँ से ये कमर वाला पोर्शन, यहाँ पे उंगलियाँ हाथ ऐसे बनाते हुए दिखाएंगे। ये इस तरीके से, और यहाँ पे हाथ में उनका डेकोरेशन करेंगे। ये पहले के राजा महाराजा लोग पहना करते थे। यहाँ पे हम कुछ कलर फिल कर देंगे, और इधर कचनी के लाइंस। सेम डेकोरेशन हम इस एरिया को भी करेंगे और यहाँ को भी करेंगे। यहाँ पे गले में माला पहनाएंगे। आप यहाँ पे कोई भी डेकोरेशन, कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी मधुबनी के बॉर्डर्स हैं, आप उसमें से भी कोई भी उठा सकते हैं। इस तरीके से माला में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं आप। ये इस तरीके से अंदर में भी और डिज़ाइंस कर सकते हैं, लाइनिंग और कलरिंग। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसा चाहते हैं। या ये इनका टिकाव का हो जाएगा। इस एरिया को हम आँख बनाएंगे। ये देखिए, मैं रफली ऐसा आपको बता रही हूँ। यहाँ से ये धोती वाली डिज़ाइन आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ से ये इनके पाँव पाँव जो हम बनाते हैं वो हमें से इस तरीके से ऐसे टिल्ट करके यहाँ लेके जाते हैं, और उसके बाद हम इसको ऐसे, चाहे तो दो उंगली भी कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर ज़्यादा बनाना है सपोज़, तो देखिए जैसे मैं इसमें ज़्यादा बना के आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ से यहाँ पे स्पेस रखेंगे। ये इस तरीके से घूम के गया, थोड़ा टेढ़ा लेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बाकी कम कम करके इस तरीके से मिला देंगे। ये पाँव में भी पाजेब जैसे डेकोरेशन करेंगे। तो ये हो गया। अब जो है यहाँ से इनकी चादर दिखाएंगे आप। ये पूरा है ना इस तरीके से भर जाएगा चादर से, और यहाँ भी ये चादर वाली डिज़ाइन है। और अब ये इनका जो दूसरा हाथ है वो चादर से छिप गया, और ये ऊपर की तरफ हम इनका हाथ एक दिखाएंगे। ये देखिए, एक दो तीन, और ये चार, और इधर ये पांच उंगली। यहाँ भी फिर हाथ में डेकोरेट कर देंगे हम हाथों को। सेम डिज़ाइन थोड़ा सा हम इधर भी डाल देंगे। धनुष को एक हम टूटा हुआ यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ है इस तरीके से करके दिखाएंगे। ये इस तरीके से दूसरी धनुष हम इस हाथ में दिखाएंगे। ये स्वयंवर के टाइम में भगवान राम ने धनुष तोड़ा था, उसके बाद ही माता सीता से इनका विवाह तय हुआ था।
क्योंकि उनके पिताजी की इच्छा यही थी, यही कंडीशन था। ये हो गए देखिए हमारे श्री राम, और सीता माता भी वैसे ही बनाएंगे जैसी मैंने लेडी बताई थी। एक नॉर्मल मैं आपको देखिए रफली बताती हूँ फिर से। ये देखिए जैसी ये पेंटिंग दिख रही है, श्री राम ने धनुष तोड़ रखा है। देखिए बॉर्डर की डिज़ाइन भी की हुई है, और यहाँ माता सीता फूल लेकर खड़ी हैं। ये देखिए उनके साड़ी के डिज़ाइन, उनके हाथ में चूड़ियाँ, दुपट्टे, और बैकग्राउंड भी देखिए पूरा भरा हुआ। तो ये जो है सो एक कंप्लीट पेंटिंग जो हमें बनाना है, इसको हम बनाएंगे। ये देखिए जो हमने यहाँ पे सीखा श्री राम को बनाना, और माता सीता को भी बनाएंगे जैसा मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया अभी, जो पेंटिंग थी उसमें उसमें भी हमने इस तरीके से ही बनाया। यहाँ उनका बाल, ये सब डबल करेंगे दोड़ी, फिर इसमें लाइंस करेंगे कचनी, फिर यहाँ से इसको भी डबल करेंगे, इसमें फिर उनके बाल और बनाएंगे इस तरीके से, बाल बना के उनके जूड़ा बनाएंगे, और ये जो पीछे वाली पोर्शन जब बनाएंगे हम जिसमें इनका हाथ यहाँ नीचे करके दिखा रहे हैं, फिर इनके बाल हम चाहे तो और आगे तक भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से ये कमर वाला पोर्शन आके ये नीचे तक, क्योंकि माता सीता का हम पाँव नहीं दिखाएंगे, ऊपर तक इस तरीके से जाएगा ये। यहाँ से इनका ये जो गर्दन वाला पार्ट है ये इस तरीके से घूमेगा, घूम के आके ऐसे साड़ी की तरह इसमें ऐसा मिल जाएगा, ये ऐसा चला गया। इधर भी डिज़ाइन बनेगी, ये सब एरिया को भरेंगे, इधर वाला एरिया भरेंगे, इधर नीचे जो भी है सबको डबल करेंगे। ये देखिए सर के जो दुपट्टा है उसको भी नीचे तक यहाँ ऐसे लेकर आएंगे, और उसको भी अच्छे से डेकोरेट करेंगे। इसके ऊपर भी ऐसे डिज़ाइनिंग होगी, ये इस तरीके से। ये देखिए हाथ कैसे बनाते हैं, मैं फिर बता रही हूँ आपको। ये इस तरीके से यहाँ देखिए उनकी बिंदी हो गई, ये कान इस तरीके से ऐसे, ठीक है। उनका जुड़ा को भी डेकोरेट करेंगे हम अलग अलग डिज़ाइन डाल के, जैसा कि मैंने आपको दिखा इस पेंटिंग में। देखिए किस तरीके से जो है वो डेकोरेट किया हुआ है, तो आप ऐसा ही बनाने का कोशिश करें। मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ आपको ये पेंटिंग का, साथ में ये वीडियो आप बनाएं और बना के हमें अपना शेयर करें।